हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ओवरहेड कॉस्ट हम लोग मटेरियल कॉस्ट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेबर कॉस्ट भी पढ़ चुके हैं और अब हम अपना थर्ड टॉपिक दैट इज ओवरहेड कॉस्ट वो डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये ओवरहेड ये जो कॉन्सेप्ट है ओवरहेड का इसका क्या मतलब होता है फिर इसके बाद देखेंगे कि ओवरहेड कितने टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड देखेंगे उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को किस तरीके से डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है

और ये जो दूसरा स्टेप है ये आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम रीअपोर्समेंट करेंगे और उसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम एब्सॉर्शन ऑफ ओवरहेड डिस्कस करेंगे ठीक है ये जो पूरा ओवरहेड कॉस्ट का जो टॉपिक है ये मैं चार से पांच वीडियोस में कवर करूंगी ओके और एक बात और है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ Uh, मेरे इस चैनल पर आपको क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ बीबीए बी कॉम और एम बी ए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है विद नोट्स एंड नोमरिकल तो इसका फायदा उठाइए इन वीडियोस की मदद से पढ़िए कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कुछ फीडबैक देना हो तो वो भी मुझे जरूर लिखिएगा ओके okay? तो फिर चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ओवरहेड वैसे ये जो वर्ड है ओवरहेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उस लेक्चर में जिसमें हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कवर किया था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जहां पे कवर किया था वहां पे हमने ओवरहेड के बारे में डिस्कस किया था बट चलिए काफी टाइम हो गया है उस लेक्चर को एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ ओवरहेड क्या होता है ओवरहेड इज द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है ठीक है ओवरहेड क्या होता है ओवरहेड इज द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है तो बेसिकली हम कह सकते हैं जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है यही तो तीन कॉस्ट होती है ठीक है यही तो तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसका सम क्या होता है ओवरहेड ठीक है ये बात समझ में आई अब हम जानते हैं हमने जहां पे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने टाइप ऑफ कॉस्ट देखा था वहां पे हमने देखा था कि जो कॉस्ट होती है अगर हम मेजर कॉस्ट को डिवाइड करना चाहें तो हम कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ठीक है फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है डायरेक्ट कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है अब हमने जब कॉस्ट शीट पढ़ा था तो हमने देखा था डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का सम क्या होता है याद करिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस का सम क्या होता है प्राइम कॉस्ट कॉस्ट शीट में सबसे पहले प्राइम कॉस्ट ही तो मतलब कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है उनको सम करिए और क्या आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनको जब आप सम करेंगे तो क्या मिलेगा ओवरहेड ठीक है ये बात समझ में आई अभी मैंने बताया ओवरहेड क्या है ओवरहेड इज द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है ठीक है इसको हम ओवरहेड कहते हैं तो ओवरहेड तो समझ में आ गया होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट कितने टाइप की होती है कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ठीक है तो पहला है ओवरहेड को अगर हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन उसके फंक्शन के बेसिस पे अगर ओवरहेड को क्लासिफाई करें तो ओवरहेड तो चार टाइप के होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ठीक है अगर फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो चार टाइप के ओवरहेड होते हैं ठीक है चलिए एक एक करके बताती हुई क्या होते हैं सबसे पहला है प्रोडक्शन ओवरहेड वैसे ये सारे ही टॉपिक पता है कॉस्ट uh, शीट में थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ है ठीक है प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है प्रोडक्शन ओवरहेड यानी प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं वर्क ओवरहेड भी कहते हैं या कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं ठीक है नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में और प्रोडक्शन कहा होता है फैक्ट्री में होता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना भी इनडायरेक्ट खर्च आता है ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट ठीक है तो प्रोडक्शन में जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड ठीक है overhead, जैसे अगर हम बात करें मटेरियल की इनडायरेक्ट मटेरियल की तो प्रोडक्शन में जो भी ऑयल जो भी लुब्रिकेंट्स यूज हो रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स यूज हो रहे हैं ठीक है थीके? या फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है लाइटिंग का खर्चा है डेप्रिशिएशन का खर्चा है वो सब क्या है प्रोडक्शन ओवरहेड क्योंकि प्रोडक्शन का इनडायरेक्ट खर्चा है ठीक है नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का दूसरा नाम है ऑफिस ओवरहेड ठीक है ऑफिस ओवरहेड मतलब ऑफिस के जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ठीक है ऑफिस में जो भी स्टेशनरी वगैरह यूज हो रहे हैं ठीक है वो सब किसमें आएगा ऑफिस ओवरहेड में या ऑफिस में जो भी टेलीफोन का खर्चा है जो भी प्रिंटिंग स्टेशनरी का ऑफिस का कुछ रेंट जा रहा होगा ठीक है ये सब क्या है ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज रिलेटेड विथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बिजनेस की जो भी सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है उससे रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन्हें क्या कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है बताइए इसका क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल जैसे एडवर्टाइजिंग का खर्चा है ठीक है जैसे सैलरी और एंड कमीशन ऑफ सेल्स पर्सन जो भी सेल्स पर्सन है उनको जो भी सैलरी दी जा रही है उनको जो भी कमीशन दी जा रही है वो सब क्या किस में जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शोरूम का जो खर्चा है ट्रेवलिंग का जो खर्चा आ रहा है वो सब क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ठीक है तो कोई भी इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो वो प्रोडक्शन ओवरहेड जो ऑफिस से रिलेटेड हो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो वो इसमें जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ठीक है यहां तक समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं ओवरहेड को अगर एलिमेंट के बेसिस पे डिवाइड करें तो तीन टाइप के हैं इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है indirect material, indirect labor, indirect ये तो समझ रहे होंगे इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है ठीक है जो मेन फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं दिखता है विजिबल नहीं है है ठीक बट वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे example के लिए बताइए वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे एग्जाम्पल बताइए ठीक है चलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आ सकता है जैसे ऑयल हुआ लुब्रिकेंट हुआ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हुए ठीक है कोल वगैरह हुआ कुछ टूल्स वगैरह हुए स्पेयर पार्ट हुए तो वो सब किस में आएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल में इनडायरेक्ट लेबर यानी वो लेबर जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ठीक है जैसे वॉचमैन गेटमैन टाइम कीपर इन सब की सैलरी ठीक है नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो खर्चे जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है जैसे डेप्रीशिएशन है रेंट है टैक्स है इंश्योरेंस है ठीक है ये सब क्या है इनडायरेक्ट खर्चे हैं फैक्ट्री के ऑफिस के ठीक है तो ये आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अब थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है अगर हम बिहेवियर के बेसिस पे ओवरहेड को डिवाइड करें तो कितने टाइप के होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड नाम से ही खैर समझ में आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड क्या है वो इनडायरेक्ट खर्चे विच रिमेन फिक्स वो खर्चे जो फिक्स रहते हैं जो अनफेक्टेड रहते हैं प्रोडक्शन चाहे आप 10 यूनिट का करिए चाहे 20 यूनिट का करिए वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फिक्स रहेगी उसको कहेंगे फिक्स ओवरहेड ठीक है फैक्ट्री में प्रोडक्शन चाहे 10 यूनिट का करिए चाहे 20 यूनिट का करिए ठीक है रेंट तो उतना ही जाएगा जो टॉप मैनेजमेंट की सैलरी है वो तो उतनी ही जाएगी बिल्डिंग का जो डेप्रिशिएशन है वो तो उतना ही होगा ठीक है तो ये सब क्या टैक्स उतना ही देना पड़ेगा तो ये क्या है फिक्स ओवरहेड नेक्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड यानी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी वो खर्चे जो वेरी करते हैं प्रोडक्शन के साथ ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है बताइए वेरिएबल ओवरहेड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा ठीक है ऑयल लुब्रिकेंट ये सब या स्पेयर पार्ट उतने ज्यादा लगेंगे नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट लेबर जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा आएगा सेल्समैन की जितनी ज्यादा सेल्स होगी प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सेल्समैन कमीशन जाएगा ठीक है पावर का उतना ज्यादा कंजप्शन होगा तो ये सब क्या है विच वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन चेंज करेंगे जो खर्चे जो इनडायरेक्ट खर्चे ठीक है जो इनडायरेक्ट खर्चे वेरी करेंगे उन्हें कहेंगे वेरिएबल ओवरहेड राइट नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल सेमी मतलब क्या होता है आधा यानी वो खर्चा वो इनडायरेक्ट खर्चा जो आधा फिक्स रहे आधा वेरी करे तो कौन कौन से खर्चे इसमें आ सकते हैं जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ठीक है सुपरवाइजर की सैलरी ये सब क्या है सेमी वेरिएबल ओवरहेड राइट right? तो ये समझ में आ गया ओवरहेड कितने टाइप के हैं एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के ऊपर आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड और ये ऐसे डायग्राम बना के शो करेंगे ठीक है जो लिखना है वो आप इसके नीचे लिखेंगे लेकिन ये डायग्राम जरूर ऐसे बनाएंगे ठीक है आंसर हमेशा प्रेजेंटेबल फॉर्म में देने की कोशिश करिए इससे जो कॉपी चेक कर रहा है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने अभी बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि किस तरीके से ओवरहेड ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग द डिफरेंट कॉस्ट सेंटर जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कॉस्ट सेंटर हैं ठीक है उनके बीच में इस खर्चे को कैसे डिवाइड किया जाए इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे डिवाइड किया जाए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ठीक है तो अब हम उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके पहले आपको बताती हूँ सपोज करिए एक फर्नीचर की फैक्ट्री है एक फैक्ट्री है जहां फर्नीचर बन रहे हैं ठीक है यहाँ पे चार टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं एक एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां टेबल बन रही है एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहा बेड बन रही है एक डिपार्टमेंट में चेयर बन रही है एक डिपार्टमेंट में आलवेरा बन रही है ठीक है अब इनको बनने में बहुत सारे डायरेक्ट खर्चे हो रहे होंगे बहुत सारे इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे होंगे ठीक है अब सपोज करिए मुझे एक टेबल की कॉस्ट निकालनी है एक टेबल बनने में कितना खर्चा आता है ये मुझे निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हो रही है उनको ऐड करेंगे टेबल बनने में जो भी डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है जो भी डायरेक्ट लेबर लग रहा है जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है उनको मैं जोड़ूंगी ठीक है उसके बाद क्या करेंगे इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ा जाएगा बट एक बात बताइए क्या इनडायरेक्ट खर्चे कुछ कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो तो डायरेक्टली इस डिपार्टमेंट ये जो टेबल का डिपार्टमेंट है इससे डायरेक्टली रिलेटेड होंगे तो उनको तो हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं उसको तो मैं डायरेक्टली टेबल की कॉस्ट में जोड़ दूंगी ठीक है लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो क्या होंगे कॉमन कुछ इनडायरेक्ट खर्चे ऐसे होंगे जो केवल इस टेबल वाले डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही नहीं होंगे वो कुछ खर्चे कॉमन होंगे वो खर्चे सारे ये जो चारों ही डिपार्टमेंट है उनके कॉमन खर्चे होंगे तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि इस कॉमन एक्सपेंसेस को इस कॉमन कॉस्ट को कैसे डिवाइड किया जाए अमंग दिस फोर डिपार्टमेंट ये जो चार डिपार्टमेंट है इनके बीच में कैसे डिवाइड किया जाए यही प्रॉब्लम है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए पूरी जो फैक्ट्री है उसका रेंट आया एक महीने का रेंट आया एक लाख रुपए का ठीक है अब बताइए जो मैं टेबल की कॉस्ट निकाल रही हूँ क्या ये जो एक लाख रुपए का खर्चा आया है ये क्या मैं पूरी टेबल की कॉस्ट में जोड़ दू बताइए ये जो एक लाख रुपए का रेंट जो पूरी फैक्ट्री का हम दे रहे हैं क्या मैं इस टेबल की कॉस्ट में इसे जोड़ दू तो इसका जवाब है नहीं यहाँ पे तो तीन और डिपार्टमेंट भी तो हैं तो ये खर्चा क्या केवल टेबल डिपार्टमेंट का है नहीं ये तो चारों डिपार्टमेंट का मिल के खर्चा है ना ठीक है तो इस खर्चे को क्या किया जाएगा हम डिवाइड करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ऑल द ठीक है अब डिस्ट्रीब्यूट करने के कुछ बेसिस होते हैं वो अभी हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे ठीक है तो आपको ये समझ में आ गया ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यानी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ये जो प्रॉब्लम आती है इसी को कहते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है उसको आप चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली टू कॉस्ट सेंटर ठीक है विदाउट एनी डिफिकल्टी बिना किसी दिक्कत के आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट में जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उनको आप जोड़ सकते हैं लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल विद ओवरहेड कॉस्ट लेकिन ये ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कॉस्ट अकाउंटिंग की कि जो ओवरहेड कॉस्ट होती है जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें क्यों क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं है इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद एन इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट जो ओवरहेड कॉस्ट होती है ये किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं होता है दिस इज कॉमन एक्सपेंस ये कॉमन खर्चा होता है ठीक है तो इसलिए क्या किया जाता है ओवरहेड कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है समझा जाता है और फिर उसके बाद इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के बीच में ऑन सम समर्बिट्री बेसिस ऑर्बिट्री बेसिस या फिर इक्विटेबल बेसिस एक जस्टिफाइड बेसिस पे इस कॉमन एक्सपेंस को इस कॉमन कॉस्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड किया जाता है जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था ना रेंट चारों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करेंगे एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ जैसे लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है ठीक है जो लेबर है उनके वेलफेयर के लिए फैक्ट्री में कुछ खर्चा किया जा रहा है लेबर्स के रिक्रिएशन पे लेबर को शायद टूर पे ले जा रहे हैं लेबर के मेडिकल का कुछ खर्चा किया जा रहा है ठीक है तो ये लेबर वेलफेयर एक्सपेंस होते हैं तो अब ये भी कॉमन खर्चे हैं ये भी चारों ही डिपार्टमेंट का कॉमन लेबर वेलफेयर का अगर दो लाख का खर्चा आया है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में ठीक है तो ये सब बताया गया है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में कि कैसे डिवाइड किया जाएगा राइट तो बताया गया है कि स्टेप्स चार स्टेप में हम डिवाइड कर सकते हैं ये जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरहेड को डिवाइड करने की ये जो प्रॉब्लम है इसको हम चार स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं पहला स्टेप क्या होता है पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उनको सबसे पहले उनका डेटा कलेक्ट करो पहला स्टेप दूसरा स्टेप क्या है एलोकेशन एंड अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड ओवरहेड का जो खर्चा है उसे एलोकेट करना है एंड अपोर्समेंट करना है टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट दिस इज द सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप रीअपोर्समेंट तीसरा स्टेप क्या है रीअपोर्समेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट तीसरा स्टेप है रीअपोर्समेंट चौथा स्टेप क्या है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड टू ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कॉस्ट यूनिट ठीक है तो ये चार स्टेप होते हैं ओवरहेड अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इन चार स्टेप में ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ठीक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है है ये चार स्टेप कौन से हैं ठीक तो पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड दूसरा स्टेप क्या है एलोकेशन एंड अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड तीसरा क्या है रीअपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड चौथा क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ठीक है समझ में आया ठीक है अब आ, मैंने बताया था जब मैं आपको सब टॉपिक्स बता रही थी तब मैंने बताया था आज के इस लेक्चर में हम ये पहला और दूसरा स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे ये जो तीसरा और चौथा है ये हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में रिअपोर्समेंट कराऊंगी और उसके आगे वाले लेक्चर में एब्जॉर्प्शन चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ ओवरहेड सबसे पहले ओवरहेड का डेटा कलेक्ट करेंगे तो कुछ मेन सोर्सेज हैं जहां से ये डेटा कलेक्ट होगा जैसे इनवॉइस जो वगैरह है वहां से इनडायरेक्ट क्या खर्चा हुआ है वो कलेक्ट होगा या स्टोर स्टोर से जब कोई सामान इशू कराया जाता है तो रिक्विसेशन स्लिप दी जाती है ठीक है तो स्टोर रिक्विसेशन स्लिप होती है उससे इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या ये है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं अगला है वेजेस अनालिसिस शीट जो भी इनडायरेक्ट वेजेस का खर्चा आया है वो कितना आया है वो हमें यहाँ से पता चल सकता है और अगला है जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री से भी हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी इनकर हुई है ये हमें डेटा कलेक्ट हो सकता है ठीक है तो पहला स्टेप क्या है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड तो ये चार सोर्सेज़ हैं जहां से ओवरहेड का कितना खर्चा आया है ये हम कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आते हैं मेन मुद्दे पे एलोकेशन एंड अपोर्टमेंट ऑफ ओवरहेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरहेड में यही पूछा जाता है एलोकेशन एंड अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड या रीअपोर्समेंट या एब्सॉर्न ये तीन स्टेप पहला स्टेप तो बहुत सिंपल था ये जो अगले तीन स्टेप हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं से क्वेश्चन आते हैं ठीक है एलोकेशन एंड अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं ठीक है एलोकेशन एंड अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और जो अगला स्टेप है ना रीअपोर्समेंट उसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ये क्या है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड ठीक है चलिए एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट पे जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज होता है वो मैं आपको पहले बता देती हूं डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड मतलब जो भी ओवरहेड का खर्चा है ठीक है इनको एलोकेट करना एंड अपोर्शन करना अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के बीच में जो भी ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट का खर्चा है उसको एलोकेट करना और अपोर्शन करना इसको कहा जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड ठीक है ये होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड क्योंकि अलग से भी पूछा जाता है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो भी ओवरहेड है उनको एलोकेट करना एंड अपोर्शन करना अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में एलोकेट करना एंड अपोर्शन करना उसको कहा जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड राइट चलिए अब आप सोच रहे होंगे बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ एलोकेशन एंड अपोर्समेंट बट उसका मतलब नहीं बता रही हूँ तो अब चलिए मैं बताती हूँ कि एलोकेशन एंड अपोर्समेंट क्या होता है ठीक है अच्छा एक चीज और है आपको पता है डिपार्टमेंट दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी फैक्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी जहां पे प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही हो सामान बनाया जा रहा हो सर्विस डिपार्टमेंट यानी वो डिपार्टमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ठीक है जैसे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट हुआ रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हुआ स्टोरेज डिपार्टमेंट हुआ ये सब क्या है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है अब आ जाइए मेन मुद्दे पे एलोकेशन एलोकेशन क्या होता है एलोकेशन वर्ड बना एलोकेट करना यानी चार्ज करना तो ओवरहेड कॉस्ट कॉस्ट जो इनडायरेक्ट है उसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ही होते हैं वो कॉमन खर्चे नहीं है ठीक है कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये खर्चा इसी डिपार्टमेंट का है वो खर्चा इनडायरेक्ट है ठीक है वो जो खर्चा है वो ओवरहेड ही है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की है ठीक है वो कॉमन खर्चा नहीं है तो वहां पे हम कहते हैं कि हम एलोकेट कर रहे हैं उस कॉस्ट को हम एलोकेट कर रहे हैं ठीक है वही लिखा है मैंने यहाँ पे सर्टेन आइटम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट कुछ ओवरहेड कॉस्ट के कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यानी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे हम चार्ज कर सकते हैं उसे तो उसे हम कहते हैं एलोकेशन ठीक है देखिए एक और मैंने डिफिनेशन लिखी है एलोकेशन इज असाइनमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट यानी जब पूरा खर्चा पूरी कॉस्ट को हम असाइन कर सके किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे ठीक है तो उसे हम एलोकेशन कहते हैं बट एक खास बात है एलोकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता हो वो जो इनडायरेक्ट खर्चा है उसका एग्जैक्ट अमाउंट कितना है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एग्जैक्ट अमाउंट कितना है तभी आप एलोकेशन कर पाएंगे ठीक है समझ में आया जैसे एग्जांपल इसके साथ बताती हूँ जैसे है इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा अभी मैंने बताया था ना चार डिपार्टमेंट है एक में टेबल बन रहा है एक में बेड बन रहा है एक में चेयर बन रही है एक में आलमेरा बन रहा है ठीक है चार डिपार्टमेंट है अगर हमें टेबल का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे आ, इसकी कॉस्ट निकालनी है एक टेबल की कॉस्ट निकालनी है ठीक है तो डायरेक्ट कॉस्ट को तो आप डायरेक्टली ऐड कर लेंगे लेकिन कुछ ऐसे इनडायरेक्ट मटेरियल भी यहां पे यूज यूज हो हो रहे रहे होंगे जो केवल टेबल के डिपार्टमेंट में यूज हो रहे हैं ठीक है वो बेड में नहीं यूज हो रहे है, वो चेयर पे नहीं यूज हो रहे हैं वो आलमेरा पे यूज नहीं हो रहे हैं कुछ ऐसे इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे जो केवल टेबल के जहां टेबल बन रही है उसी डिपार्टमेंट में यूज हो रहे होंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट या टूल होंगे जो केवल टेबल डिपार्टमेंट में यूज हो रहे हैं ठीक है तो इसको क्या कर सकते हैं इस खर्चे को हम एलोकेट करेंगे क्योंकि ये खर्चा केवल टेबल डिपार्टमेंट का है ठीक है ऐसे ही कुछ इनडायरेक्ट वेजेस भी हो सकती हैं जो केवल टेबल के डिपार्टमेंट की है तो हम इसे एलोकेट करेंगे ठीक है और पावर इलेक्ट्रिसिटी अगर सपोज करिए हमने मीटर देखिए पूरी फैक्ट्री का तो एक कॉमन मीटर होगा ठीक है लेकिन हम किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री uh, का जो डिपार्टमेंट है वहां सब मीटर भी तो लगा सकते हैं सब मीटर लगा देंगे तो क्या होगा हमें पता चल जाएगा वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है ठीक है वैसे इलेक्ट्रिसिटी तो इनडायरेक्ट खर्चा है लेकिन उसको हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे एलोकेट भी कर सकते हैं हम सब मीटर लगा दें सब मीटर लगा दें हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मीटर लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि फैक्ट्री का तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा एक लाख रुपए का आया है लेकिन इसमें टेबल जो डिपार्टमेंट है उसने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है चेयर डिपार्टमेंट ने कितनी कंज्यूम की है जहां आलमेरा बन रही है उसमें कितना कंज्यूम हुआ है तो हम ये खर्चे एलोकेट कर सकते हैं जबकि उसी की जगह रेंट को क्या हम एलोकेट कर सकते हैं नहीं रेंट तो कॉमन खर्चा है ठीक है इसको हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं तो कुछ खर्चों को हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं तो उसको कहते हैं एलोकेशन समझ में आए एलोकेशन मतलब वो आइटम ओवरहेड कॉस्ट के जिनको हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्ट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे डायरेक्टली चार्ज कर सके ठीक है उसको हम कहेंगे एलोकेशन कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसे होते हैं इनडायरेक्ट वेजेस ऐसे होते हैं या पावर का खर्चा है जिसे हम एलोकेट करते हैं राइट बट रेंट को नहीं कर सकते हैं. अब तो रेंट को कैसे किया जाएगा रेंट को हम करेंगे अपोर्शन ठीक है हम रेंट के लिए क्या करेंगे अपोर्शन अपोर्समेंट मतलब क्या होता है देखिए वर्ड बना है अपोर्समेंट ये वर्ड क्या है अपोर्समेंट यानी एक प्रॉपर प्रपोर्शन में किसी खर्चे को किसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर प्रॉपर प्रपोर्शन में डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड किया जाए तो दैट इज कॉल्ड अपोर्समेंट समझ में आया अपोर्समेंट क्या है कि कुछ ओवरहेड कॉस्ट ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे चार्ज नहीं कर सकते हैं जैसे रेंट है ठीक है वो खर्चे क्या होते हैं वो कॉमन खर्चे होते हैं सारे ही डिपार्टमेंट के सारे कॉस्ट सेंटर के कॉमन खर्चे होते हैं तो ऐसे खर्चे को क्या करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है एक प्रॉपर प्रपोर्शन में इस खर्चे को डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ठीक है इसी को कहा जाता है अपोर्शमेंट ये वर्ड अपोर्शमेंट एक प्रपोर्शन वर्ड से बना हुआ है ठीक है तो प्रपोर्शन में एक प्रॉपर प्रपोर्शन में एक इक्विटेबल बेसिस पे जब हम ओवरहेड के खर्चे को डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको कहा जाता है अपोर्शमेंट ठीक है समझ में आया जैसे एग्जाम्पल के लिए रेंट है रेंट कॉमन खर्चा है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्युपाइड उस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया किया है उसके बेसिस पे हम रेंट को डिवाइड कर सकते हैं ठीक है दूसरा है जैसे जो जर्नल मैनेजर है फैक्ट्री का जर्नल मैनेजर है वो तो सारे डिपार्टमेंट को देख रहा है ठीक है तो उसकी सैलरी को भी उसकी सैलरी क्या है वो कॉमन है तो उसको कैसे डिवाइड करना है तो उसके लिए भी एक इक्विटेबल बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे हमने फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस कराया है फैक्ट्री की लाइटिंग हीटिंग का खर्चा है फैक्ट्री का कैंटीन का खर्चा है ये सब क्या है कॉमन खर्चे हैं तो इन कॉमन खर्चों को किसी इक्विटेबल बेसिस किसी जस्टिफाइड बेसिस पर डिवाइड किया जाता है राइट अब ये बेसिस कौन सा होगा किस बेसिस पे हम अपोर्शन करेंगे ये एक प्रॉब्लम आती है ठीक है तो वैसे तो जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है कि किस बेसिस पे आप करेंगे बट नहीं दिया है तो आप कुछ ये बेसिस में बताने जा रही हूं ये बेसिस यूज करेंगे ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट दी है रेंट रेंट का खर्चा है लाइटिंग का खर्चा है फायर प्रिकॉशन सर्विस का खर्चा है एयर कंडीशनिंग का खर्चा है ठीक है ये कुछ इनडायरेक्ट खर्चे अगर दिए हैं तो इन खर्चों को आप किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे फ्लोर एरिया के बेसिस पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने पूरी फैक्ट्री में कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है ठीक है जैसे टेबल डिपार्टमेंट ने पूरी फैक्ट्री में कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है इसके बेसिस पे आप रेंट के खर्चे को डिवाइड कर सकते हैं इन सारे खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट ठीक है तो वैसे क्वेश्चन में हिंट दी रहेगी कि आप बेसिस क्या यूज करेंगे अगला कुछ खर्चा है अगला खर्चा है फ्रिंज बेनिफिट हुआ या लेबर वेलफेयर एक्सपेंस हुआ या टाइम कीपिंग हुआ या पर्सनल ऑफिस का खर्चा हुआ या सुपरविजन का खर्चा हुआ तो ये कुछ खर्चे ये किससे रिलेटेड है लेबर से रिलेटेड है ठीक है तो इस टाइप के खर्चे को आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर राइट नेक्स्ट कुछ खर्चे हुए जैसे कंपनसेशन टू वर्कर या हॉलीडे पे है या ईएसआई है या पीएफ कंट्रीब्यूशन है या कुछ फ्रिंज बेनिफिट है ये सब एक्सपेंसेस क्या हैं ये सब लेबर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है ठीक है तो इन इस एक्सपेंसेस को, 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 को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं लेबर को जो डायरेक्ट वेजेस मिल रही है उसके बेसिस पे इन खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है जर्नल ओवरहेड ठीक है जर्नल ओवरहेड को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे या मशीन आर के बेसिस पे नेक्स्ट है जैसे डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है या इंश्योरेंस है स्टॉक का ठीक है इस टाइप के खर्चे इस टाइप के कॉमन खर्चे को किस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कैपिटल वैल्यू वो एसेट है कितने का वो प्लांट एंड मशीनरी है कितने की कि? उसकी कैपिटल वैल्यू क्या है इस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं अगला है पावर या स्टीम या इंटरनल ट्रांसपोर्ट या मैनेजीरियल सैलरी है इन सब को हम किस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कुछ हम इस्टीमेट ले सकते हैं कुछ टेक्निकल ले सकते हैं तो ये कुछ कॉमन खर्चे हैं कुछ कॉमन इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिस, जिसको हम ये जो यहां पे दिया गया है बेसिस इन बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं ठीक है वैसे तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस बेसिस पे डिवाइड करना है उसके रिगार्डिंग डेटा दिया रहेगा आपको समझना होगा कि उस खर्चे को हम कैसे डिवाइड करेंगे राइट चलिए अब एक क्वेश्चन मुझे वैसे कराना था इस लेक्चर में बट मैं सोच रही हूँ कि इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन हम हमें डिस्कस करना है मैं सोच रही हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और मैंने नोटिस किया है कि अगर वीडियो आधे घंटे से ऊपर हो जाए या कह लीजिए बीस मिनट से भी ऊपर हो जाए तो आप फिर आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं ठीक है तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ ये मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ आप इसका स्क्रीन ले लीजिए या नोट कर लीजिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमें रीअपोर्समेंट डिस्कस करना है बट रीअपोर्समेंट करने से पहले ये एलोकेशन एंड अपोर्समेंट पे ये एक क्वेश्चन है ठीक है ये मैं पहले कराऊंगी और उसके बाद हम रीअपोर्समेंट करेंगे ठीक है तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू एंड हैव अ गुड डे गॉड ब्लेस यू